रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे ऋत्विक, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने पलक को थैंक्स बोला? क्यों? For saving your life. I'm sorry, isn't that her job? उसका काम है। Papa, you are the best. Love you. My angels. तुमने तो वहाँ बोला था कि तुम सिंगल हो। ये मेरे लिविन बच्चे हैं। जब बड़ी हो जाओगे ना, ऐसी चिपकू टाइप की मत बनना। लड़के है ना, इरिटेट हो जाते हैं। आपके जैसे भी कोई बनना नहीं चाहिए, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। सोच रहा था कि कल किसी तरह बच्चों को बता के यहाँ से चला जाऊं। सबको जरूरत है तुम्हारी। अबे क्या हुआ, क्या हुआ? हेलो, कहाँ भाग? वो चिपकली। पागल है क्या? अबे नकली छिपकली है यार। जिया दिया ने तुझे परेशान करने के लिए रखी थी। अबे छिपकली से डरता है, पागल है क्या? रिकी, रिकी, अबे मेरे को जिम दिखाई से। अबे उसने मेरे को जिम दिखाई। अबे मुझे लगी है ना। अबे तुझे कुछ हुआ? इतना शोर क्यों? छिपकली, अरे हट जा, हट जा, अबे मुझे ऊपर आना। अरे अबे कहाँ है छिपकली? केरी इसमें हाथ मत लगाना। अरे वो पीछे चली गई यार। अब वो छुप गई वो कमर। अरे छुप, मतलब क्या? मतलब छिपकली है ना, डायनासोर नहीं है ना। एक मिनट डॉक्टर, मैंने वो छिपकली को हाथ लगाया था, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। जस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स। मैं जय को भेज रही हूँ, वो निकाल देगा इसको। जय, सैनिटाइजर निकाल। जय, वो कुत्ती वो आ रहा है। मैं डरता नहीं हूँ इन चीजों से। लिसन, यू हैव टू गेट ओवर योर हाइपोकोंड्रिया। मुझे भी तो हाइपोकोंड्रिया था, ठीक हो गया ना? तुम्हें हाइपोकोंड्रिया था? वो पहले था। पलक। हाँ, वो पानी पिलाऊं? श्योर। थैंक्स कसौली के लिए। यू नो, तुमने अगर मुझे बचाया नहीं होता तो मैं तो फिर वापस चला गया होता। कोमा में। सो जस्ट दैट यू आर क्वाइट कमिटेड एज अ फिजियो, एज अ डॉक्टर। इट्स नाइस, सो वेल डन। सुनो, कैफे चलोगी तुम्हें साथ? हाँ? मेरे साथ नहीं, मेरा मतलब है कि वो सब जा रहे हैं। उसकी उसका टू बी, वी कुड गेट योर प्लस वन, यू नो, प्लस वन ला सकती हो तुम। विक्रांत। ऑफ कोर्स विक्रांत, विक्रांत। वैसे शनाया ने भी इनवाइट किया है उसे, तो शायद वो आएगा। शनाया ने उसको बुलाया तो तुम आ जाना एक साथ। मैं नहीं, वो अभी डिसाइड नहीं किया, देखेंगे। नहीं किया? कब करोगी? नहीं मतलब सब कुछ डिसाइड करे तो ये भी कर ही लेती। क्या हम पहले कभी मिले? क्यों, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ऐसे लगता है कि पहले से जानता हूँ तुम्हें। हम पहले मिले थे, फ्रेंड्स थे, जानते थे कुछ। जब तुम कोमा में थे तो मैं तुम्हारी फिजियो थी ना। हो सकता है सबकॉन्शियसली मेमोरी में कुछ मेक सेंस। वो मुझे कुछ याद है, मैं आती हूँ। एनी अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में हमेशा मुझे बता देती थी, इस बार कुछ गड़बड़ है। एनी तेरी बहन है ना? हाँ। तुझे नहीं मालूम कि वो किसको डेट कर रही है? मैं हूँ वो लड़का, मुझे डेट कर रही है। तेरी बहन जैसी है ना वो, तू हेल्प नहीं करेगा? फाइंड आउट हु शी इज डेटिंग, उसके फ्यूचर का सवाल है। नहीं, व्हाट आई थिंक, यू नो, मुझे लगता है कोई रियल सड़ू टाइप्स होगा, इसलिए अनन्या छुपा रही है। आई थिंक शी इज इनटू वुमेन। मुझे तो लगता है कोई स्टंट टाइप का लड़का, और शायद ना उम्र में उससे छोटा, इसीलिए छुपा रही है।
अच्छा वैसे हाँ? आप और शिवम सबको बता क्यों नहीं देते? वाई हाइड? बहन एक टाइम पे ना एक ही मैच मेकिंग कर सकती हूँ, तो दोनों नहीं कर सकती, बता दूंगी जब टाइम आएगा। वैसे ना यहाँ आके आप सबने मुझे और नर्वस कर दिया। अकेले मिलने देते, सब जासूसी करने क्यों आ गए? टिपिकल नून्स। मेरे पास ना एक आइडिया है, मेरे बदले में ना किसी और को ही भेज देते। प्लीज प्लीज प्लीज, कितनी स्मार्ट है तू। लेकिन उसने तेरी पिक्चर देख ली, उसका क्या करे? क्यों उसके पीछे पड़ी है? छोड़ दे इसको और अपनी बता, FBI लगाऊं क्या तेरे पीछे? लगता है इस बार छूटा है कुछ। एक मिनट, रोहित तो यहीं पे है, तू तो कह रही थी नहीं आएगा। बोल बोल। पता नहीं आजकल वो कुछ भी कहता है। सुनो 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 सुनो, आ गया आ गया वो लड़का, आ गया आ गया वो, चलो गाइस जल्दी जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट। अरे तू यहां बैठे, बाय बाय बाय, मैं फोन करता हूं। विक्रांत है वो? थोड़ा कडली वडली टाइप्स है ना, थोड़ा सा नर्डी नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है लड़का, सिंसियर होगा घर में भी और नौकरी में भी। तुम्हें लगता है इसे पता होगा बच्चे कैसे होते हैं? Never judge the book by its cover. मुझे नहीं, एक आर्थिक थोड़ा पकाऊ टाइप्स लग रहा है, ये हमारे नून फैमिली लाइक नहीं है। You know what? तुम लोग घर पे भी सब एक हो, ऑफिस में भी एक हो, you know, we need some variety. कोई तो नून के बाहर हो। Right. जैसे तुम। You look different. In a good way. वैसे you look the same, like in your profile. I hope. In a good way. Okay. तू कहाँ जा रहा है? अच्छा चाय कॉफी या कुछ खाने के लिए? सनाया, what's up? After such a long time, yeah. Hi. Give it to me. Dating, shooting? कार्तिक, ये है बिट्टू सिंह. बिट्टू? बिट्टू सिंह, meet कार्तिक. Hello, बिट्टू जी. Hello. आप तो बहुत ही स्टूडियस टाइप के लग रहे हैं। वैसे कार्तिक IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और तुम वैसे कहाँ तक पढ़े हो? अरे ये सब तो किताबी पढ़ाई है। You know हमारी शनाया कितनी टैलेंटेड है, सिंगिंग, डांसिंग और पता नहीं कितने टैलेंट है इसके अंदर। अरे यू नो हाउ टू सिंग? मैं तो जी गाना, मैं गा नहीं पाता। अरे कम ऑन यार, कम ऑन, फॉर शनाया यू हैव टू सिंग, लेट्स गो। बिट्टू जी, बिट्टू जी, शनाया जी, बाद में मिलेंगे बिट्टू। मैं गाना गा नहीं पाता भाई, ये क्या कर रहा है? ओ भाई मैं बता रहा हूँ, ये है ना, इसे भगा देगा लड़के को। कम ऑन यू पुसी, थोड़ा सा रैगिंग करना है, करना तो क्यूट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा दोस्त कार्तिक, उस खूबसूरत सी लड़की के लिए गाना गाने वाला है। No, शिवम। ये भाई क्या कर रहे तू? शिवम, you have no right to embarrass him like that. और भैया आप लोग क्यों आए हो यहाँ? This is just not done. शिवम यार, Justin is right. तुझे ऐसे गाना वाना नहीं गवाना चाहिए था, तुझे डांस करवाना चाहिए था। What? You're right. No, शिवम। अभी क्या डांस करवाने जाएगा उसको? Hi, sorry I'm late. कुछ miss तो नहीं किया मैंने? Miss? बिल्कुल नहीं। फिनाले के बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं आप। ये क्या माइक पे प्रपोज करने वाला है? नहीं, गाना गाने वाला है। और मैंने तो कभी आज तक बाथरूम में भी गाना नहीं गाया जी। आज कोशिश करना चाहता हूँ फॉर समवन स्पेशल। शनाया जी, ये आपके लिए। वो जी, वो कहते हैं कि जोड़ियाँ जी ऊपर से बनकर आती हैं। कितनी अजीब बात है ना जी, कि कैसे दो अजनबियों के बीच इतना गहरा कनेक्शन हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं शनाया जी को कितना अंडरस्टैंड करूँगा, पर जी इतना पता है कि अगर जी दोस्ती अच्छी हो गई तो बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। के फेवरेट फ्लावर है ना जी? हाँ, बट इसके तो सीजन नहीं है। तो सीजन यहाँ नहीं है ना शनाया जी, पर जहाँ है वहाँ से लेकर आया। मंजूर है। Oh my God, guys, I
I can't believe it. तुम लोग ने देखा क्या हुआ? बहुत honest है. I like him. So genuine यार. इतने दूर से तुझे सिर्फ जानने आया है. Not to spend time with you in a hotel. Otherwise, you know how men are, right? They just want one thing from a woman. Married men have a right to it, I believe. Right. तो शादी इसलिए की थी? नहीं, लेकिन एक शादी में ये भी important part है सेतु. बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने शादी के बावजूद कहीं बाहर मुंह नहीं मारा. Stop it. एक सेकंड, तू मेरा ही फोन ले लो ना. Just call her ना. She must be waiting for you right now. कहीं इस कैफे में तो नहीं है वो? You know, I'm done. Seriously? Hi, Rohit. क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? Hello. Nothing. You guys just have fun. सेतु भाभी. रोहित और सेतु के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स थी और हमें कोई आइडिया ही नहीं था. मैंने सेतु से बात भी करने की कोशिश की. She's just avoiding me. पता नहीं क्या हो गया यार इन दोनों को. इतने रोमांटिक कपल हुआ करते थे. कैन यू इमेजिन, मेरी लाइफ सही चल रही है और उनकी खराब हो गई. यू गाइज आर परफेक्ट. इट गिव्स मी फेथ. तुम और विक्रांत भी तो. शनाया कितनी खुश थी ना आज. I just want the best for her. And I want the best for you. Palak, मुझे नहीं लगता तो मैं अब और वेट करनी चाहिए. मान लो रिकी भाई एक पल के लिए उनको सब याद आ गया, ठीक है, बट तुम्हें लगता है कि तुम और रिकी भाई वापस वैसे हो पाओगे जैसे थे? हाँ? रिकी भाई will have to be mature about it. उनको ये समझना पड़ेगा कि जब वो कोमा में थे, things changed, सब बदल गया. Anyways, मेरी कल बोर्ड मीटिंग है, मुझे आ रही है नींद, तो I'll see you in the morning, okay? चल. Good night. बदल तो बहुत कुछ गए पर उस वक्त की यादें नहीं बदल सकती जो मैंने ऋत्विक के साथ क्रिएट किए. एक एक लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने आईने की तरह है. ऋत्विक की यादें मेरी जीने का सहारा है. इट मस्ट बी वन ऑफ दो सेवन स्टेजेस ऑफ लव. Seven stages of love. Twirl and wo seven stages of love kya hai? Tum sach mein janna chahte ho? Not really. Just curious. तो पहला दिलकशी. दिलकशी अट्रैक्शन. दूसरा उन्स अटैचमेंट. तीसरा मोहब्बत. आई नो. अकीदत. नहीं पता. ट्रस्ट. फिफ्थ इबादत. नहीं पता. वर्शिप. Sixth, chuno, passion, and last, moth. तुम्हें सिर्फ मौत याद है. सिर्फ इतनी अच्छी मेमोरीज, इतनी अच्छी यादें, और तुम्हें सिर्फ मौत याद है. गोल्ड डिगर याद है. कौन सी मेमोरी? क्या याद होना चाहिए मुझे? प्लीज प्लीज मुझे बताओ. कुछ नहीं. अलग प्लीज. कुछ है जो तुम्हें मालूम है जो तुम नहीं बता रही हो? नहीं. अगर कुछ याद रखने लायक होता तो तुम्हें याद होता ना. अलग अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, यू हैव टू टेल मी. अलग प्लीज. मुझे कुछ याद नहीं है. क्या है? जस्ट टेल मी. कुछ नहीं. गुड नाइट. पड़ी भी कुछ नहीं. क्या क्या याद नहीं है मुझे? कुछ. ऋत्विक लेट मी गो. पलक आई एम सीरियस. ऋत्विक लेट मी गो. उस रात तुम जिस रात तुमने मुझे बचाया था. क्या विक्रांत बुला रहा है मुझे? ऋत्विक मुझे विक्रांत बुला रहा है. अरे यार सॉरी, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया. वो लास्ट मिनट ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था तो. हाँ वो अच्छा. वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी.
I just want to help you. किस चीज में help? और रोहित और सेतु के बीच आज जो कुछ भी हुआ कैफे में, तुम बात क्यों नहीं करती अपनी फ्रेंड से? मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ if that's okay. तुम्हें सबका कितना ख्याल रहता है ना? मुझे बस तुम्हारा ख्याल रहता है. और जो लोग तुम्हें मैटर करते हैं वो मुझे भी मैटर करते हैं. एंड वैसे भी आई ग्रो अप विद नो फैमिली, तो जो ये नए रिश्ते दोस्ती बनी है बस इसमें इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ. लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ. थैंक यू. अगर विक्रांत हमें देख भी लेता तो क्या फर्क था? ये पलक विक्रांत की इतनी परवाह क्यों करती है? और अगर करती है तो उसने मुझे क्यों किस किया? ये हो क्या रहा है?